नीलम बेटा, ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? रात से कुछ नहीं खाया, घंटों से रो रही हो, क्या कर रही हो अपने साथ? मैं उससे लड़कर आई थी। मैं जानती हूँ, लेकिन जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो नहीं पता था कि ये होगा, किसी को नहीं पता था। ऐसे करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम्हें क्यों सब सिख बेटा, जो हो गया सो हो गया है ना, अब हिम्मत करो। मैं फिर मिलता हूँ सर। फिर क्या सोचा तुमने? खान ने मेरा मकाम तो पहुंचा दिया होगा। सोचना क्या है, खान से तो दुनिया कल मुतारिफ होगी। हमसे हाथ मिला लो, मिलके मुतारिफ कराएं। मैं एमपीए था जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ। खान ये मौका तो नहीं है, लेकिन सिखाओ शमसी, मैं जानता हूँ कि सहाफती दुनिया में क्या क्या होता है। बस तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो, और आज से तुम्हारे अखबार की कॉपी प्रेस में जाने से पहले मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरे अखबार के लिए है। और हाँ, रही कानून की बात तो गवर्नमेंट सर्कुलर कल आ जाएगा।
आमिर मेरे कमरे में आइए। जी सर आपने बुलाया? हाँ बैठो। थैंक यू सर। पुरानी कहानी है, मुझे पूरी तफसील चाहिए इसकी और आज शाम तक। जी सर। और हाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इसकी। समझिए सर। बाबा खिलाएंगे आज। चलो शाबाश। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। तुम जानते हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? जानते हो ना? मुझे इश्क है तुम लोगों से और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कोई आ जाए। मैं नहीं चाहता, मैं देख सकता ही नहीं। उसने नीलम पे हाथ उठाया, मेरी बेटी पे, तुम्हारी बहन पे हाथ उठाया उसने। तोड़ दिया मैंने उसका हाथ। कुचल दिया मैंने उसे। उसकी जरूरत कैसे हुई नीलम पे हाथ उठाने की? ये वो सांप था जो दूध भी पीता था और डसता भी था, इसलिए खत्म कर दिया मैंने उसे। ले लिया मैंने अपनी बेटी का बदला, ले लिया। तुम हंसो हंसो, खुश हो जाओ। मैं तुम लोगों को हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं हर वक्त। कितने दिन बाद हम इस तरह डिनर करने बाहर आए। शुक्र है आपको मेरे लिए कुछ वक्त तो मिला। तुम लम्हों की बात कर रही हो, मैंने तो जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। सियासत से पहले की बात कर रहे हैं आप, तो आपकी शादी सियासत से हो चुकी है। शुक्र करो सियासत से हुई, वरना तुम तो जानती हो क्या हो सकता था। जानती हूँ। औलाद ना होने की वजह से आप पे बहुत दबाव था ना? अरे नहीं ये बात नहीं है, क्यों ऐसा सोचती हो? तुम तो सब कुछ हो मेरा। जानती हूँ आपने बहुत प्यार दिया है मुझे और हमेशा देता रहूँ अपनी आखिरी सांस तक। पर मुझे लगता है जैसे आप आजकल कुछ स्ट्रेस में हैं। शहर आकर बदल गए आप। दुनिया से बदल सकता हूँ, तुमसे नहीं। बात को घुमाए नहीं, गांव में कितनी खुशी थी, कितना टाइम होता था हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए। कयादत के लिए शहर आना जरूरी था। पर मुझे शहर पसंद नहीं आया।
गांव में कितनी खुशी थी, कितना सुकून था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना बेगम साहिबा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना अकलमंदी नहीं है। अरे मेरे पास तुम हो ना, समझो सब कुछ मिल गया मुझे। मैंने आपके लिए अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी ताकि आपको वक्त दे सकूं। तुम्हारे इस फैसले ने मुझे बहुत सुकून दिया है। बस एक मसला चल रहा है, निमट जाए तो सुकून आ जाएगा, उसके बाद यूरोप चलेंगे, क्या ख्याल है? आई विश आपके पास मेरे लिए इतना वक्त हो। वादा है मेरा। देखते हैं वादा कितना वफा होता है। चैलेंज कर रही हो मुझे? नहीं, मुझे आप पे यकीन है। बस इसी तरह हंसती रहा करो, एनर्जी मिलती है मुझे। क्या आपके दोस्त कहाँ रह गए हैं? देर नहीं हो गई काफी? नहीं 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 वो फाइल में देखो फाइल। नहीं नहीं दूसरी फाइल में देखो। हाँ जमील जी। शमसी साहब कहाँ रह गए आप? मैं और आपकी भाभी डिनर पर इंतज़ार कर रहे हैं। अबे यार भाभी से सॉरी कर लो यार, वो मैं तुम्हारे काम में मसरूफ़ हूँ यार। काम तो चलते रहते हैं शमसी साहब, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, आए ना। यार भाभी से सॉरी कर लो यार, मैं तेरे ही काम में फंसा हुआ हूँ यार, बहुत बिजी हूँ। श्योर यार तुम डिनर कर ले, मैं तेरे पास घर आ रहा हूँ। ठीक है चलें। ठीक है, बिजी है कहीं? अच्छा हुआ हमें वक्त मिल गया। एक मिनट। हेलो सर जी, वो घर पे डकैती हुई है, कुछ लोग आए हुए थे। अच्छा जी सर। ठीक है मैं आता हूँ। सही है। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खाते हैं।